सो भाई अभी एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह नीचे आई है। इनफ कैश हमेशा लेके आना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से सिटी सेंटर का। तो बेलारूस हम पहुँच चुके हैं और अब हम बात करेंगे बेलारूशियन वीज़े की। ईस्टर्न यूरोप का एक हिडन जैम जो जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा सुरक्षित भी है, और यहाँ के लोग अपनी बेमिसाल मेहमान नवाजी के लिए भी जाने जाते हैं। लगभग 40% जंगलों से घिरा होने के कारण लंग्स ऑफ यूरोप कहे जाने वाले इस देश का नाम है बेलारूस। और इस सफ़र में हमारे साथ हैं मेरी माताजी और मेरे पिताजी, जिनके आशीर्वादों की वजह से हम इस पूरी दुनिया को घूम पाते हैं। तो सफ़र शुरू करते हैं इस खूबसूरत देश बेलारूस। और इस सफ़र की शुरुआत भी होती है हमारे प्यारे भारत देश की राजधानी और मेरे होम टाउन दिल्ली से, जहां के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हम लेने वाले हैं बेलाविया एयरलाइन की फ़्लाइट नंबर B2758, जो हमें दिल्ली से लगभग 7.25 घंटों में डायरेक्ट बेलारूस की राजधानी मिंस्क ले जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बेलारूस की नेशनल एयरलाइंस बेलाविया ने दिल्ली से मिंस्क की डायरेक्ट फ़्लाइट स्टार्ट की है, जो सप्ताह में एक दिन शनिवार को सुबह 6:55 पर दिल्ली से मिंस्क जाएगी और सप्ताह में एक दिन हर शुक्रवार की शाम 8:25 पर मिंस्क से दिल्ली आएगी, जिसका रिटर्न फेयर लगभग $650 है। लेकिन क्योंकि बेलाविया ने न्यू रूट स्टार्ट किया है, तो आपको इस फेयर पर 20-50% तक के डिस्काउंट ऑफर्स मिलते रहने वाले हैं, जिसको जानने के लिए आप बेलाविया एयरलाइन के इंस्टाग्राम अकाउंट belavia.airline को फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्ट बेलाविया एयरलाइन की वेबसाइट belavia.by पर भी चेक कर सकते हैं। भविष्य में बेलाविया इन फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा सकती है। चेक इन हो गई, इमिग्रेशन हो गया और सिक्योरिटी भी हमने क्लियर कर ली है। चेक इन में हमसे पूछा गया हमारा वीज़ा और हमारी रिटर्न टिकट्स, और सेम हमारे से क्वेश्चन किया गया इमिग्रेशन में भी, हमारे से पूछा गया हमारी रिटर्न टिकट और हमारा वीज़ा, और अब हम जा रहे हैं बोर्डिंग करने। सुबह के बजे हैं 7 और फ्लाइट में हमने बोर्ड कर लिया है, और ये एयरक्राफ्ट है बोइंग 737-8। पिताजी खिड़की की तरफ, माताजी, और बहुत ही साफ़ सुथरी फ्लाइट है ये, बहुत ही साफ़ सुथरा भाई। फ्लाइट को उड़े हुए लगभग हो गया है 1 घंटा और अभी ड्रिंक्स की सर्विस आ गई है। तो भाई अभी एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह नीचे आई है, और ये एरिया है तजाकिस्तान। बहुत सुंदर यहाँ पे माउंटेन व्यू दिख रहा है। 8:44 हुए हैं, यानी कि लगभग 1:44 हो गए फ्लाइट को उड़े हुए, और दिया है इन्होंने ये ब्रेकफास्ट लिखा भी है इस पर। तो दो तरह के ऑप्शन इन्होंने दिए हैं भाई, एक वेज एक नॉन वेज ऑलवेज, और ये है भाई नॉन वेज जो मैंने ऑप्शन चूज़ किया भाई, ये है नॉनवेज ऑप्शन, और इसके साथ एक ये बॉक्स भी दिया है इन्होंने, इसको भी खोलते हैं क्या। एक ये इसमें बन बटर और ये सब कुछ चीज़ें भाई, इन्होंने लिया है वेज ऑप्शन। तो वेज ऑप्शन में यहाँ पे है चावल, कॉर्न और बीन्स, और अगेन ये सेम जो इसमें मिला है वो है। और माता पिताजी आगे बैठे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं अपनी मील्स का। तो ये भाई है चिकन पैनकेक, बहुत ही डिलीशियस है यार, ये बहुत डिलीशियस है, मज़ा आ गया। आपका कैसा भाई ये फूड? अच्छा है, बढ़िया, सही है। तो भाई ब्रेकफास्ट के बाद अब ले आए हैं चाय कॉफ़ी, सेवा पूरी कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया स्टाफ है इनका, बहुत अच्छे से बात कर रहा है, कुछ भी पूछो तो बहुत अच्छे से उसको रिप्लाई कर रहे हैं प्यार से। माता सही है, चाय कॉफ़ी सेवा सही कर रहे हैं। पिताश्री पूरे फोटोग्राफी का मज़े ले रहे हैं, कोई सीन नहीं छोड़ रहे फोटो क्लिक करने का। बेलारूस, जिसका आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ बेलारूस है, ईस्टर्न यूरोप में बसी एक लैंडलॉक कंट्री है, जिसकी सीमाएं रशिया, यूक्रेन, पोलैंड, लाटविया और लिथुआनिया से मिलती हैं। बेलारूस का कुल क्षेत्रफल लगभग 2,76,000 स्क्वायर किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बेलारूस
विश्व में 85वें स्थान पर आता है और आबादी के हिसाब से बेलारूस विश्व में 97वें स्थान पर आता है, जहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 95 लाख है। बेलारूस के लोगों को बेलारूशियन कहते हैं, जहाँ लगभग 83% लोग ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं, 7% लोग रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं और 8% ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। बाकी 2% अन्य धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। बेलारूस की राजधानी और इसका सबसे बड़ा शहर मिंस्क है। बेलारूस की 78% आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है। बेलारूस की ऑफिशियल लैंग्वेज बेलारूशियन और रशियन है। बेलारूस की करेंसी को बेलारूशियन रूबल कहते हैं और एक बेलारूशियन रूबल भारत के लगभग 28 रुपये के बराबर होता है। बेलारूस का नेशनल एनिमल बाइसन है और बेलारूस की नेशनल बर्ड वाइट स्टॉक यानी के सफ़ेद सारस है। तो लगभग 7 घंटे बाद हम लैंड कर चुके हैं बेलारूस की कैपिटल के मिंस्क नेशनल एयरपोर्ट पर। और बेलारूस और इंडिया के टाइम में फ़र्क है लगभग 2.5 घंटे का। 2.5 घंटे बेलारूस पीछे है इंडिया से। यदि इंडिया में इस वक्त बजे हैं 2, तो बेलारूस में बजे हैं 11:30 सुबह के। ये आप देख सकते हैं फ़ोन स्क्रीन पर। और अगर फ़्लाइट की बात करूँ तो फ़्लाइट बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही स्मूथ लैंडिंग और बहुत ही इन्होंने टेक केयर किया जो भी स्टाफ था यहाँ पर। थैंक यू बेलाविया के स्टाफ को। तो भाई स्वागत है आपका बेलारूस मिंस्क में। इमिग्रेशन हमारा हो गया है और जो हमारे से मिंस्क बेलारूस में इमिग्रेशन वालों ने क्वेश्चन किए वो थे, पहले तो वीज़ा उन्होंने देखा और फिर पूछी रिटर्न टिकट और पूछा आपके पास कैश कितना है। मैंने बोला कि 1000 USD है और 1000 यूरो है हमारे पास कैश में, लेकिन हमारा सब कुछ बुक है और हमारे पास कार्ड्स वगैरह हैं। कहते नहीं नहीं कार्ड्स वगैरह नहीं, कैश बताओ कितना है। तो वही कैश हमारे पास 1000 USD थे, 1000 यूरो थे, वो बता दिया। और वीज़ा जो है वो बहुत तरीके से इन्होंने चेक किया, मतलब वीज़ा और पासपोर्ट को लेंस था इनके पास, कोई लेंस से चेक कर रहे थे बहुत अच्छे से। शायद ये एक समय पर एक डोंकी रूट था, यहाँ से लोग यूरोप के लिए चले जाते थे और शायद अब भी जाते होंगे। तो जो भी था इमिग्रेशन हार्ड था, अच्छे से चेकिंग कर रहे थे। और अब हम आ गए हैं बेल्ट्स की तरफ, अपना सामान लेंगे और यहाँ से निकलेंगे बाहर। पिताश्री के लिए ले रहे हम थोड़ा सा सामान। और ये है यहाँ का ड्यूटी फ्री अराइवल मिंस्क। और यहाँ पर जो ड्यूटी फ्री अलाउंस है वो है 3 लीटर अल्कोहल पर पर्सन। आप 3 लीटर लेके पर पर्सन बाहर जा सकते हो। तो कस्टम भी हमने क्लियर कर लिया है और कस्टम में भी सेम क्वेश्चन पूछा कि आपके पास कैश कितना है। एक भाई के पास तो $15 थे, उसे भी जाने दिया। उसने कहा 15 USD है ओनली, तो कैश के लिए ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी इनफ कैश हमेशा लेके आना चाहिए। और हमें लेने आए हैं योगिनी साहब, ये हैं बेलिन ट्रैवल से। बेलिन ट्रैवल एक जानी मानी कंपनी है यहाँ पर, जिससे अगर वीज़ा लगवाया जाए तो कभी फेल नहीं होता। वाह भाई, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है। इनकी जो कंपनी का नाम है वो है बेलिंड ट्रैवल्स। तो बेलिंड का मतलब बेल फॉर बेलारूस, IND फॉर इंडिया, बेलिंड। और हम रुके हैं भाई अभी सिम कार्ड लेने के लिए, और हम ले रहे हैं MTC का सिम। हमें सब ने यही कहा था कि MTC का बेटर है सिम, तो MTC का ले लेना। देखते हैं इनके क्या प्लान्स हैं। वेलकम टू बेलारूस। और जो भाई प्लान है वो बहुत ठीक ठाक है, कुछ भी महंगा नहीं है। प्री पेमेंट बेलारूशियन रूबल 20 बेलारूशियन रूबल में आपको अनलिमिटेड 1 मंथ के लिए इंटरनेट डाटा मिलता है हाई स्पीड, और उसके अलावा 600 मिनट मिलते हैं बेलारूस से बेलारूस में, और भाई सस्ता। उसके बाद आपको मंथली फ़ी लगती है 900 रुपये के लगभग। तो भाई कोई महंगा कुछ नहीं था, अच्छा है। थैंक यू मैडम। और बेलारूस का कॉलिंग कोड है +375। माता जी बाहर आ गए, ऊपर जाना हमने। बाहर मौसम ठंडा है इस वक्त हमारे लिए, और शाम को शायद ठंड हो जाएगी। और यहाँ से अगर आपको सिटी सेंटर में जाना है एयरपोर्ट से, तो सिटी सेंटर है लगभग 44 किलोमीटर दूर। और सिटी सेंटर जाने के लिए टैक्सी भी मिल जाती है और सिटी सेंटर जाने के लिए बस भी मिलती है, लेकिन वो सिटी सेंटर से कुछ अलग जगह उतारती है। लेकिन अगर आप एयरपोर्ट पे आ रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि आप टैक्सी करें। और टैक्सी के लिए जो ऐप है वो यहाँ पर चलती है येंडेक्स गो करके ऐप, आप उसको लेके जा सकते हैं सिटी सेंटर में। हमें अभी जहाँ से हमने टूर बुक कराया था उनके रिप्रेजेंटेटिव लेने आए हुए हैं, तो हम जाएंगे उनके साथ
और बात करेंगे बेलारूशियन वीज़ा के बारे में, जो कि एक अलग टॉपिक है। तो हम जब पहुंचेंगे तो बात करेंगे, अभी यहां पर लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो भाई ये है बेलिन ट्रैवल्स की तरफ से जो टैक्सी हमें लेने आई है, और हमने अपना लगेज वगैरह रख दिया, हम जाने लगे हैं मिन्स्क सिटी के सेंटर में, जहाँ पर है हमारा होटल। भाई बेलारूस में कार चलती है राइट हैंड पर और स्टीयरिंग होता है लेफ्ट साइड पर, इंडिया से उल्टा, यूरोप के अन्य देशों की तरह। सब जगह ना जो भी ये बोर्ड आ रहे हैं, 90% जो बोर्ड है ना वो सारे कैसीनो के हैं। भाई यहाँ से स्टार्ट हो जाती है मिन्स्क सिटी, वेलकम टू मिन्स्क, वेलकम टू बेलारूस। तो भाई ये आ गया होटल यूरोप, जहाँ पर हम रुकने वाले हैं। चेक इन हो गई हमारी, बहुत ही स्मूथ था, बहुत ही अच्छे से रिसेप्शन पे, ऑब्वियसली 5-स्टार होटल है तो इनकी जो सर्विसेज होती हैं वो अच्छी होती हैं, लेकिन हम देखेंगे यहाँ के 5-स्टार होटल्स कैसे हैं। तो अभी हम कराने लगे हैं मनी एक्सचेंज। तो भाई ये है यहाँ पर मनी एक्सचेंज का सिस्टम, फ़िलहाल होटल में ये मशीन लगी हुई है जहाँ से हम USD और यूरो को बदल सकते हैं, यहाँ की जो लोकल करेंसी है उसमें बेलारूशियन रूबल्स में। ₹318 बेलारूशियन रूबल मिले हमें 100 USD पे, देखते हैं कैलकुलेट करके कितने हुए हैं ये। तो लगभग 28 भारतीय रुपए का एक बेलारूशियन रूबल हमें पड़ा है। तो भाई ये है माता जी, यहाँ पे चली गई हैं, ये है हमारा एक रूम। और ये भाई इसके साथ है बालकनी, जो कि सीधा सिटी सेंटर को दिखाती है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से सिटी सेंटर का। ये भाई टॉयलेट प्लस बाथरूम, खूबसूरत जगह, खूबसूरत होटल, खूबसूरत बाथरूम। भाई हमारे पास है एक और दूसरा रूम जहाँ पर मैं रुकने वाला हूँ, यहाँ पर मदर फादर रुकेंगे, और वो भी देख लेते हैं, जो अच्छा होगा माता पिता वहीं रुकेंगे फिर। और वो रूम था 609 नंबर, और ये है 603 नंबर। इसको चेक करते हैं कैसा रूम है। तो भाई ये भी एक बहुत खूबसूरत रूम है, लेकिन ये रूम शायद उससे थोड़ा छोटा है, तो माता पिताजी को वो सेम रूम दे देते हैं जहाँ वो हैं, और हम रहने वाले हैं इस रूम में। और ये उस रूम में भी थी भाई टी पॉट्स वगैरह, ग्रीन टी, ब्लैक टी, 4 बॉटल दी हैं कॉम्प्लीमेंट्री पानी की। और ये बहुत पुराना होटल है, 1800 कुछ में बना था ये होटल, फिर वर्ल्ड वॉर में डिस्ट्रॉय हो गया था, वर्ल्ड वॉर सेकंड में, और उसके बाद दोबारा रीबिल्ट हुआ और 2007 से गेस्ट्स को होस्ट कर रहा है। और ये है भाई इस वाले रूम का बाथरूम, टॉयलेट, और ये बाथिंग एरिया, ये अलमीराज भी हैं यहाँ पे। और यहाँ पर सारा जो 5-स्टार होटल्स में होता है, स्लीपर्स, लॉन्ड्री बैग, शू पॉलिश वगैरह का सामान, और सेविंग किट वगैरह, और ये सेफ्टी लॉकर। यहाँ पर भी है बालकनी, और यहाँ से भी एक खूबसूरत नज़ारा शहर का, खूबसूरत लोग, खूबसूरत शहर, खूबसूरत मौसम। वेलकम टू मिन्स्क। तो बेलारूस हम पहुंच चुके हैं, और अब हम बात करेंगे बेलारूशियन वीज़े की, बेलारूस के वीज़े के बारे में। तो बेलारूस का वीज़ा थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, इसलिए मैंने बीच में नहीं बताया। और बेलारूस का वीज़ा सबसे पहले तो आप ये जान लें कि भाई इंडियंस के लिए 30 डेज़ फ्री नहीं है। बहुत सी मैंने वीडियोज़ देखी जो होती हैं यूनिक फैक्ट्स, ये फैक्ट्स, वो फैक्ट्स, पता नहीं कौन कौन से फैक्ट्स होते हैं, लेकिन उनमें फैक्ट्स कम होते हैं भाई, उन्हें कम देखा करो। उन पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं, लेकिन जो बेचारा जाके ट्रैवल कर रहा है, जो आपको सच्चाई दिखा रहा है, उस ट्रैवलर को आप मिलियंस ऑफ व्यूज़ नहीं देते। मैं अपनी बात तो कर ही रहा हूँ, लेकिन और भी मेरे भाई बंद है जो ट्रैवलर्स हैं, उनकी वीडियोज़ पर भी नहीं आते इतने व्यूज़, लेकिन जितने व्यूज़ आ जाते हैं यूनिक फैक्ट्स, अननोन फैक्ट्स, फैक्ट्स लिखते हैं पीछे जो भी। तो खैर उसमें हमेशा बताया गया कि वीज़ा जो है बेलारूस का वो इंडियंस के लिए 30 डेज़ एंट्री है, ऐसा कुछ नहीं है। यस,
एक क्लॉज है जो उन भाइयों ने पढ़ा नहीं, 30 डेज की एंट्री उन इंडियंस के लिए है जिनके पास वैलिड मल्टीपल एंट्री शैनिगन वीज़ा है और वो यूज़ हो चुका है एक बार, यानी कि आप किसी शैनिगन कंट्री में एक बार जा चुके हैं। तो वो है एक क्लॉज जो मेरे भाइयों को पता नहीं, अननोन यूनिक फैक्ट्स वालों, प्लीज़ फैक्ट्स को थोड़ा सा जान लिया करो या आया करो, ठीक है, तब पता लग जाएगी बातें। तो भाई एक तो ये हो गया कि आपके पास शैनिगन वीज़ा होना चाहिए मल्टीपल एंट्री वैलिड, जो कि आप एक बार ट्रैवल कर चुके हो किसी शैनिगन एंट्री में, उससे आपको 30 दिन के लिए एंट्री मिल सकती है बिल्कुल फ्री, कोई चार्ज नहीं है। मैं भी उसी वीज़ा पे आया हूँ और उस वीज़ा से आप 30 दिन रह सकते हैं और साल में रह सकते हैं 90 दिन 30-30 दिन करके। और दूसरा एक तरीका है कि आप लें किसी भी ट्रैवल एजेंसी से पैकेज जिसमें आपकी रिटर्न फ्लाइट टिकट्स हों और संबंधित डॉक्यूमेंट्स, वो जो भी हैं, वो लेटर ऑफ इनविटेशन वगैरह, वो जो कंपनी है वो भेजेगी। हमारा जो वीज़ा लगवाया है मेरे मदर फादर का, मेरे पेरेंट्स का, वो लगवाया है बेलिन ट्रैवल्स ने। बेलिन ट्रैवल जो है बेल इंड, बेलारूस और इंडिया, बेल फॉर बेलारूस, IND फॉर इंडिया। तो बेलिन ट्रैवल ने हमारा वीज़ा लगवाया और वो एक रिनाउंड कंपनी है, जानी मानी कंपनी है यहाँ पर, उनके वीज़े कम रिफ्यूज़ होते हैं भाई। और मुझे, मैंने सर्च किया उस कंपनी के बारे में तब मुझे पता लगा है, तो कोई ये मत सोचना कि मैं उनको स्पॉन्सर या कुछ कर रहा हूँ। हाँ, तो मुझे बताया मेरे जो भी भाई यहाँ पर रह रहे हैं, आप भली बात ही जानते हैं, बेलारूस में हमारे बहुत अच्छे अच्छे जाने माने भाई रह रहे हैं, उन भाइयों ने मुझे बताया कि एक जानी मानी कंपनी है और इनके वीज़ा फेल नहीं होते, तो बेलिन ट्रैवल से आप वीज़ा करवा सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हो गया कि आप एक टूर पैकेज के थ्रू यहाँ आ सकते हैं किसी टूर कंपनी से टूर लेके, ठीक है। तीसरा पॉइंट है बिज़नेस वीज़ा। बिज़नेस वीज़ा, एक्चुअली मैं एक टूरिस्ट हूँ भाई, बिज़नेस वीज़ा के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन बिज़नेस वीज़ा के बारे में जितनी मैंने इंक्वायरी की वो ये थी कि बिज़नेस वीज़ा उस कंपनी से आए जो कंपनी थोड़ी सी जानी मानी हो, जिस कंपनी का कोई स्टेटस हो, नहीं तो आपका बिज़नेस वीज़ा भी रिजेक्ट हो सकता है। और फोर्थ है कि कोई यहाँ का रेजिडेंट आपको बुलाए कि मेरा दोस्त आना चाहता है। उसमें क्या होता है कि जो भी रेजिडेंट है उसकी सारी जिम्मेदारी होती है, कोई भी बात हुई तो उसको पकड़ा जाएगा। तो रेजिडेंट अगर आपका बहुत ख़ास है तो वो आपको बुला लेता है, नहीं तो लोग कम बुलाते हैं। तो टूरिस्ट के लिए पहले दो ऑप्शन बढ़िया हैं, एक तो शैनिगन वीज़ा अगर आपके पास है तो आप आ सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज है यहाँ पर आना, कोई भी वीज़ा वगैरह का पैसा नहीं देना, आपके वीज़ा पे एंट्री होनी चाहिए। दूसरा जो टूर पैकेज कंपनी से आप टूर लेके आ जाएँ तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो बना देते हैं और आपको फिर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती एम्बेसी वगैरह में, फिर उनका रिप्रेजेंटेटिव या उनका कोई ना कोई कांटेक्ट होता है जो आपके डॉक्यूमेंट ले लेता है और फिर वो आपका वीज़ा लगवा देता है। तो भाई ये है बेलारूस के वीज़े के बारे में। और इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट कर देना। और भाई जिन जिन को पता है बेलारूस वीज़ा के बारे में बहुत ज़्यादा, मैं तो आज ही आया हूँ तो मुझे जितना पता था मैंने बता दिया, जिन जिन भाइयों को पता है वो उन कमेंट्स के आंसर जवाब दे देना प्लीज़। थैंक यू। We'll be right back.